अचानक से फ्रांस भारत की मदद को दौड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ 20 मिलियन डॉलर लेकर ताइवान भी दौड़ा है। आपको बता दें, इस वक्त इस साल का रक्षा बजट पाकिस्तान जो बना रहा है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पर इन सब के बीच ये दोनों देश भारत की मदद के लिए क्यों आगे आ रहे हैं, तो वहीं जापान क्यों हाई अलर्ट मोड पर है, जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन पर जैसे ही रूस ने हमला किया, उस हमले के बाद जापान पूरी तरीके से अलर्ट हो गया। जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो नीति अपनाई थी कि हम सिर्फ डिफेंस करेंगे, हम पहले हमला नहीं करेंगे, उस नीति को छोड़ते हुए जापान अब इस कोशिश में है कि कहीं वो पहले हमला न कर दे। यही नहीं, जापान ने अपने रक्षा बजट को भी दोगुना करने का मन बना लिया है। जापान को रूस और चीन दोनों के हमले का खतरा मंडरा रहा है। जापान ये तैयारी ऐसे समय में कर रहा है जब पुतिन और शी जिनपिंग दोनों ही आक्रामक रुख को अपनाते हुए टोक्यो पर दबाव बना रहे हैं। जैसा कि देखने को मिला कि क्वाड की मीटिंग हो रही थी और चीन और रूस ने अपने परमाणु बॉम्बर्स भेजकर जापान को डराने की कोशिश की, और उसके बाद जापान में जो फूमियो किशिदा की सरकार है उसने साफ साफ संकेत दे दिया है कि अब वो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो नीति अपना रहा था कि हम सिर्फ डिफेंस करेंगे, अब उसमें बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। और हम इस ताकत तक पहुंच चुके हैं कि पहले हम हमला कर दें। किशिदा ने, आपको बता दें, बहुत बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल रूस के यूक्रेन पर हमले से एशिया प्रशांत क्षेत्र में ये डर सताने लगा है कि चीन भी ताइवान पर हमले के लिए इसी तरह की रणनीति अपना सकता है। चीन ताइवान को अपना प्रांत मानता है और उसे चीन की मुख्य भूमि से मिलाने की कोशिश में लगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करने के लिए पहले जापान ने ये एग्रीमेंट साइन किया था कि ताकत के इस्तेमाल करने से परहेज करेगा, पर अब जापान ने ये कह दिया है कि हम पहले हमला कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। जापान ने साल 2021 में जहां 54 अरब डॉलर खर्च किया था, तो अब अपने रक्षा खर्च को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है जापान। खैर, जहां जापान ऐसी कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का आने वाला रक्षा बजट कितना है उसे जानेंगे आप तो चौंक जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान अपने रक्षा में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है और इस बार पाकिस्तान का रक्षा बजट है 8 बिलियन डॉलर। अब इतना कमाल का बजट रखा है। वैसे आपको बता दें, भारत का 2022-2023 का रक्षा बजट 70.6 बिलियन डॉलर का था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार पाकिस्तान क्या कमाल मचा रहा है। दरअसल पाकिस्तान की स्थिति खुद ही कंगाल है। इस वक्त उसे खाने को नहीं जुट रहा है, तो वो डिफेंस में क्या खर्च करेगा। ये हालात ऐसे पहुंच गए हैं कि कहीं पाकिस्तान को खुद को दिवालिया घोषित न करना पड़े। खैर, जहां एक तरफ हमारा पड़ोसी यहां पस्त हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक बहुत बड़ी मदद आई है, और ये मदद किसी और से नहीं बल्कि चीन के कट्टर वाले दुश्मन ताइवान से आई है। दरअसल इस वक्त आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें खास तौर पर सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, वो मार्केट में आने कम हो गए हैं और इनका वेटिंग टाइम काफी बढ़ गया है। बहुत ऐसे सेक्टर हैं जहां से निकालकर सेमीकंडक्टर को डिफेंस के क्षेत्र में ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि सीमा पर हालात ठीक नहीं है। लेकिन ये शॉर्टेज पैदा क्यों हुआ है? ये शॉर्टेज एक तो चीन की वजह से पैदा हुआ है, और दूसरा कि अभी जिस तरीके के हालात हैं, हर देश दूसरे देश को कमजोर ही करना चाहता है और स्थितियां बिल्कुल उलट होती जा रही हैं। ऐसे में सेमीकंडक्टर के मामले में जहां अमेरिका प्रमुख देशों में आता है, तो उत्पादन करने के मामले में चीन भी प्रमुख देश में आता है। पर इन सब के बीच अब ताइवान और भारत दोनों मिलकर कई जॉइंट वेंचर्स शुरू कर रहे हैं, और इसी के तहत भारत के वेदांता ग्रुप ने अब एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है ताइवान के फॉक्सकॉन कंपनी के साथ, जिसके साथ मिलकर ये लोग 20 बिलियन डॉलर लगाकर फैक्ट्री का काम जल्द ही शुरू कर देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आने वाले 2 साल में अब सेमी
सेमीकंडक्टर मिलने शुरू हो जाएंगे। मतलब थोड़ा वक्त तो जरूर है, लेकिन भारत एक आत्मनिर्भर प्लान के तरफ बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे भारत में सेमीकंडक्टर बनने शुरू हो जाएंगे, वैसे वैसे कई मुश्किलें खुद ब खुद हल होती हुई दिखने लगेंगी। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार फ्रांस अब भारत की बहुत बड़ी मदद करने को आया है। रूस यूक्रेन की लड़ाई से हमने एक बात सीखी कि सारे अंडे को एक टोकरी में नहीं रखना चाहिए, यानी किसी एक पर इतना ज्यादा। रूस यूक्रेन जंग के बाद ये देखने को मिला कि रूस पर अकेले निर्भर रहना हथियारों के लिए सही नहीं है। हथियार जिस तरीके से हमने 70% रूस के ऊपर निर्भरता रखी, उसका असर ये है कि आज की डेट में अगर रूस के हथियार फेल हो रहे हैं यूक्रेन जंग में, तो भारत के लिए भी परेशानी बढ़ रही है। और ऐसा ही एक दूसरा सेक्टर है जहां पर हमारी रूस के ऊपर निर्भरता है और ये निर्भरता बटनी चाहिए। हालांकि दोस्ती अपनी जगह है और रिश्ते और भी ज्यादा अच्छे हो रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हाल में हमने देखा कि जब भारत के वैज्ञानिकों को प्रॉब्लम होने लगी तो भारतीय वैज्ञानिकों को रूस जाना पड़ा और रूस में उन्हें ट्रेनिंग लेनी पड़ी। अब मान लीजिए अगर रूस किसी जंग में फंस जाता और रूस के अंदर ही गोलीबारी वाले हालात होते, अभी तो यूक्रेन के अंदर है और सीमावर्ती इलाकों में रूस के अंदर है, तो फिर हालात और भी बुरे हो सकते थे। ऐसे में कई और देशों पर निर्भर रहना ज्यादा जरूरी है। दरअसल रूस ने भारत की बहुत बड़ी मदद की है थर्मल सेक्टर में। थर्मल सेक्टर में रूस ने जितनी मदद की है उसकी वजह से भारत थर्मल एनर्जी के सेक्टर में काफी तेजी से आगे बढ़ पाया है। भारत के ज्यादातर थर्मल प्लांट आप देखेंगे वो रूस के ही बनाए हुए हैं, पर अब भारत का मदद करने के लिए रूस के साथ साथ फ्रांस की कंपनी भी आ रही है। और फ्रांस की कंपनी EDF इलेक्ट्रिक दी फ्रांस और भारत की न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL मिलकर बना रही है न्यूक्लियर पावर प्लांट महाराष्ट्र में। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि फ्रांस की कंपनी भारत के आत्मनिर्भरता वाले प्लान को साथ दे रही है, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर हर चीज अब भारत के अनुसार करने को फ्रांस की कंपनी तैयार है, जो भारत की रूस के प्रति एक तो निर्भरता को घटाएगी, वहीं दूसरी तरफ भारत का जो आत्मनिर्भर प्लान है उसके तहत भारत को ज्यादा मदद मिलेगी। EDF और NPCIL के इस मूव को और भी कई जगह अपनाने की बात चल रही है और कहा जा रहा है कि जल्द ही लॉरेंसन और टर्बो यानी कि LNT और NPCIL मिलकर फ्रांस की कई कंपनियों के साथ इसी तरीके के डील और आने वाले 60 सालों के लिए ऑपरेशन चलाने की बातें चलेंगी। वैसे फ्रांस भी एक अच्छा साझेदार है और रूस की जगह ले रहा है, पर आपको क्या लगता है रूस और फ्रांस में भारत के लिए कौन ज्यादा सही है? दोस्तों में अगर गिनती करेंगे तो भारत के कौन कौन से देश हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।